हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनोहर श्याम जोशी जी के प्रसिद्ध उपन्यास कसब के बारे में, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी यानी कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के एमए के लास्ट सेमेस्टर में हमको पढ़ने को मिलता है। कसब एक प्रेम कथा है जो 1982 में मनोहर श्याम जोशी जी की जो ये रचना है प्रकाशित हुई थी। ये जो है ये एक आंचलिक उपन्यास है। अगर हम संक्षिप्त रूप से इसकी बात करें तो ये कुमाऊनी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की एक प्रेम कथा है जो अपने आप में कुछ कुछ आंचलिकता को समेटे हुए है। इसको पूर्णतः आंचलिक उपन्यास हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें खास करके जो इसकी शब्दावली है उसमें कुछ विशेष कुमाऊं का पुट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इसके नाम का। ठीक, इसका नाम है कसब। कसब का अर्थ होता है क्या जाने। कुमाऊनी में ये वर्ड जब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता है तो हम तब बोलते हैं कसब। कुमाऊनी में इसका अर्थ है क्या जाने। कसब लिखते हुए मनोहर श्याम जोशी जी के आंचलिक कथाकारों वाला तेवर अपनाते हुए कुमाऊनी हिंदी में यह प्रेम कथा दलिद्र से लेकर दिव्य तक का हर स्वर छोड़ती है। यानी इसमें एकदम गरीबी और अमीरी दोनों चीज़ों को दर्शाया गया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक ग्रामीण क्षेत्र के, खास तौर पे उत्तराखंड में कैसा जीवन होता है, जिसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया दलिद्र। कुमाऊनी में जैसे दलिद्र होता है तो उसी को कुमाऊनी में दलिद्र कहा जाता है। लेकिन वह ठहरती हर बार उस मध्यम वर्ग पे है। यानी कहानी की भले शुरुआत उच्च वर्ग से हो या एकदम निम्न वर्ग से हो, लेकिन ये कहानी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो मध्यम वर्ग में आकर रुक जाता है। एक प्रकार से मध्यम वर्ग ही इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। समीक्षकों ने कसब को प्रेमाख्यानों में अज्ञेय के उपन्यास नदी के द्वीप के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है। यानी अज्ञेय जी, जो कि हिंदी साहित्य के एक बड़े पुरोधा कवि हैं, उपन्यासकार हैं, समीक्षक हैं, उनके सामने उनके किसी उपन्यास से अगर आज के समीक्षक तुलना करते हैं तो इसी से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कसब उपन्यास अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और यह समाज की किन समस्याओं को हमारे सामने दिखाता है। इस उपन्यास में मध्यम वर्गीय जीवन की टीस को अपने पंडिताओं परिहास में ढालकर एक प्राध्यापक ने मानवीय प्रेम को स्वप्न और स्मृत्याभास के बीचों बीच फ्रिज कर दिया है। यानी जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं उसके बीच में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसका अपना जो रहन सहन है, उसकी जो अभिलाषाएं हैं, वो कैसे आ जाता है और प्रेम फिर किस तरह क्षीण होने लगता है, ये भाव बड़े सुंदर तरीके से मनोहर श्याम जोशी जी ने इस उपन्यास में दर्शाए हैं। इसकी जो कहानी है 1910 के काशी से लेकर 1980 के हॉलीवुड तक की अनुगूजों से भरा हुआ है ये उपन्यास। इसमें गंवई, अनाथ, भावुक, साहित्य, सिनेमा, अनुरागी लड़के और काशी के समृद्ध शास्त्रियों की सिरचड़ी खिलंदड़ दबंग लड़की के संक्षिप्त प्रेम का विवरण है। कहानी सुनाने वाला यह उपन्यास एक विचित्र सा उदास उदास मीठा मीठा सा प्रभाव मन पर छोड़ता है। इसके प्रमुख पात्र हैं देवीदत्त तिवारी यानी डीडी। इसके जो करेक्टर हैं उसमें जो देवीदत्त तिवारी आएगा, इसको उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में शॉर्ट में डीडी बोला है। और जो शास्त्रियों की लड़की है उसका नाम बेबी है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य पात्र भी हैं जैसे दया, गुलनार, श्याम सुंदर मिश्र, जो कि आगे चल के बेबी का हस्बैंड कहलाता है, वो एक आईएएस अधिकारी है। इसके अलावा गायत्री भी एक करेक्टर है जो अभी रहस्य रहेगा, अंत में हम आपको बताएंगे कि गायत्री कौन है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, लेकिन उससे भी पहले इस कहानी का सार क्या है, यानी पूरे उपन्यास को अगर हम एक
सार रूप में जानना चाहें तो वो कैसा है और क्या है। कथा यानी उपन्यास जो कि बहुत सारी मूल कथाओं को ले लेके आगे बढ़ता चलता है, इसमें होता क्या है, एक बेबी नाम की लड़की होती है और एक डीडी होता है। इन दोनों की ये प्रेम कहानी है। इन दोनों की मुलाकात एक विवाह में होती है, नैनीताल में। नायक जो है, डीडी है जिसका नाम, वो पहली उन दोनों की पहली मुलाकात वॉशरूम के आगे होती है। और बड़ा विचित्र सा इसका वर्णन वहाँ पे लेखक ने किया है, जो आप अगर इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अलग सा अनुभव होगा, हंसी भी आएगी। उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि वो मतलब वो लेटरिंग के बाहर पे मिलते हैं और बेबी इस तरह से दरवाज़ा खोल देती है, तो बड़ा अभद्र सा लगता है, लेकिन उन दोनों की केमिस्ट्री को अच्छा यहाँ पे से बना दिया गया इस घटना से। नायक डीडी को बेबी से प्यार हो जाता है। दोनों के प्रेम को बेबी के परिवार की स्वीकृति नहीं मिलती, जैसा कि आमतौर पे होता ही है। बेबी डीडी को दया से शादी करने को कहती है। डीडी को जो डीडी है वो उसको नकारते हुए अपने प्रेम का इजहार करता है बार बार। अब इसी समय क्या होता है कि बेबी के भाई से उसका झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, और इसके बाद डीडी वहाँ से वापस बम्बई चला जाता है। लेकिन वो बेबी को भूलता नहीं है, उसको वो बहुत याद करता है और बार बार चाहता है कि वो उससे मिलता रहे। तो इसी दौरान क्या होता है कि वो बेबी को पत्र लिखने, यानी उस टाइम जो पत्र होते थे वो लिखने स्टार्ट कर देता है। दोनों में पत्र व्यवहार चलता रहता है। तभी बम्बई में जहाँ पर डीडी होता है वहाँ पे गुलनार फ्रांसीसी आती हैं, जो एक डायरेक्टर होती हैं। वो दूरदर्शन के लिए भारत विषयक फिल्म बनाने के लिए आई हुई होती हैं। वो डीडी को सहायक निर्देशक के रूप में रख लेती हैं। डीडी को काम मिल जाता है, थोड़ा सा स्थायित्व आता है उसके उसमें। और जब वहाँ पे वो क्या करता है, उसके साथ काम करने लगता है, इसी बीच वो कुछ अच्छा अच्छा लिखने भी लगता है। मतलब डीडी एक प्रतिभावान युवक है, लेकिन उसकी गरीबी और उसके आसपास ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो उसकी काबिलियत को पहचाने, इस वजह से वो अभी कोई अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाया है, उसको कहीं पर स्थायित्व नहीं मिला है, जीवन में कोई पहचान नहीं मिली है। जब वो वापस अल्मोड़ा आता है तो वहाँ पे बेबी और डीडी दोनों समय बिताते हैं, काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं और एक दूसरे पे डूबने लगते हैं। अब क्या होता है, ये सब लंबे समय तक नहीं चल पाता है। इसी दौरान घर के लोगों को पता चल जाता है और फिर बस वही दोनों का मिलना जुलना कम हो इसके लिए फैमिली कोशिश करने लगती है बेबी की। इसी बीच डीडी वापस बम्बई आता है और अपना पूरा ध्यान दोबारा से साहित्य की ओर लगा देता है। इसी दौरान डीडी और गुलनार फ्रांसीसी जो वर्क कर रहे थे, जो एक मूवी छोटी सी बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वो उसका काम पूरा हो जाता है तो गुलनार वापस जा रही होती है। लेकिन वापस जाते जाते वो उसे एक एडवाइज करके जाती है। वो कहती है कि तुमको बेबी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, मैं तुम्हें फ्रांस आने का न्योता देती हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगी कि बेबी जो होती है ना, वो तो अपने इधर पे है, उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसको यहाँ पर अभी लेखक ने नहीं दिखाया है। अभी उन्होंने सिर्फ डीडी के बारे में बात की है और गुलनार के बारे में। गुलनार के मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर जग गया होता है, हालांकि उसे हम प्रेम नहीं कहेंगे। अब बेबी की शादी तय हो जाती है तो वो डीडी के पास पत्र भेजती है, तत्काल वो वापस भी आ जाता है रातों रात। पर जैसे ही दोनों एकांत में मिलते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं। डीडी की पिटाई होती है और बेबी की जहाँ शादी तय हुई होती है वो टूट जाती है। इसी बीच गुलनार का पत्र आता है और वो बताती है कि जो डीडी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनी है उसको काफ़ी सराहना मिल रही है, और इस समय अगर वो फ्रांस आता है तो हो सकता है उसको स्कॉलरशिप भी मिल जाए और इस फील्ड में उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो अब देखो, अब डीडी के मन में द्वंद्व है।
जाए या ना जाए। इसी बीच जब वो बम्बई वापस आता है तो बेबी के पिता शास्त्री जी का पत्र भी आता है कि वो बेबी से विवाह कर ले, क्योंकि इस समय तक बात बहुत फैल चुकी होती है, बदनामी हो चुकी होती है उनकी। लेकिन इस बार डीडी नकार देता है क्योंकि कई बार वो उनसे अपमानित हो चुका होता है। और अब विदेश जाने को लेकर डीडी और बेबी के बीच में मतभेद होने लगते हैं और इस तरह डीडी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जाके इस उपन्यास में एक ब्रेक आता है। इसके बाद की कहानी जो है वो 24 साल के बाद की कहानी दिखाई गई है। इन 24 सालों में डीडी के जीवन में क्या होता है, बेबी के जीवन में क्या होता है, उसका उल्लेख उपन्यास में नहीं मिलता है। आगे चल के 24 साल बाद जब कहानी शुरू होती है, डीडी विदेश में है, मैत्रेयी ने PhD कर ली है, उस मतलब उसकी भी शादी हो गई है, बेबी की शादी भी IAS श्याम सुंदर मिश्र से हो चुकी है। बेबी ने पढ़ाई कर ली, जो कि पहले पढ़ने से घबराती थी, कॉलेज पहुंच गई, संसद की सदस्य नियुक्त हो गई। इस तरह उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आ गए और डीडी भी एक फिल्म मेकर बन गया है बहुत बड़ा। 1981 में डीडी भारत आता है। भारत क्यों आता है, वो सरकारी खर्चे से फिल्म बनाने के लिए वो भारत आता है। और इस बीच डीडी हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाता है। ये वही अल्मोड़ा है जहाँ कभी वह बेबी के लिए जाता था। अल्मोड़ा से आगे जो अगर कुमाऊं क्षेत्र से परिचित होंगे तो वहाँ पे ये आता है बेरीनाथ, गंगोली हाट। तो वहाँ पर जब वो जा रहा होता है, वो उसके साथ गुलनार होती है, एक कैमरामैन होता है, तभी एक लड़की लिफ्ट मांगती है जिसका नाम गायत्री है। बातों ही बातों में पता चलता है कि वो बेबी की बेटी है। जब वो आगे वहाँ पहुँच जाते हैं गंगोली हाट, वहाँ पर एक रेस्ट हाउस में डीडी की बेबी से भी मुलाकात होती है। अब इस मुलाकात का दृश्य देखिए, इसमें क्या होता है, डीडी उस चट्टान पर खड़ा है जिसमें उसके पिताजी ने उड़ान भरी थी और उनकी मृत्यु हुई थी। डीडी अपनी फिल्म का आखिरी सीन वहीं शूट करना चाहता है, ये उसने तय कर लिया है। और इसी चट्टान में वो क्या कर रहा है, बेबी से आखिरी मुलाकात कर रहा है। दोनों को मन में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं, दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। इस प्रेम कहानी की शुरुआत किस तरह से हुई थी और अंत किस प्रकार हुआ, वह उत्तर है कसम, यानी क्या जाने। यह उपन्यास अपने आप में अंत में एक सवाल छोड़ के जाता है, एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है जिसका आंसर नहीं मिलता है। अगर आखिरी के उन पलों में बेबी ने कुछ कहा होता या फिर डीडी ने कुछ कहा होता तो हमें उनका उत्तर मिलता। इसीलिए शायद मनोहर श्याम जोशी ने इस उपन्यास का नाम कसब रखा है, कसब यानी क्या जाने। तो ये था आज का हमारा उपन्यास। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए उपन्यास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।